हेलो गाइस यार, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। तो गाइस फाइनली यार आप सबका स्वागत है हमारी आज की एक और न्यू वीडियो में। एंड गाइस आज की इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं ETS 2 का ट्रैफिक मोड। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल पिलियल। तो यार आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल के साथ आप सबको बताने वाले हैं कि आप लोग बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम के अंदर ETS 2 का ट्रैफिक मोड कैसे डाउनलोड कर सकते हो एंड कैसे ऐड कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि आगे भी आप लोगों को बस सिमुलेटर इंडोनेशिया से रिलेटेड बहुत सारे मोड्स एंड वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। तो यार जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे एंड आप सबको बता देता हूं कि आप लोगों को इस ETS 2 ट्रैफिक मोड को कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम फाइल को डाउनलोड करने वाले हैं और उसके बाद इस फाइल को हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी गेम के अंदर। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो गाइस अब इस ETS 2 ट्रैफिक मोड को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने आ जाना है सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड जैसे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे उसके बाद आप लोगों को डाउनलोड ETS 2 ट्रैफिक मोड नाम से एक लिंक मिलेगा, उसके नीचे एक वीडियो का लिंक दिया है, इस तरीके से देख सकते हो आप लोग। अब जैसे आप लोग गाइस इस लिंक पे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक यूट्यूब वीडियो ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा एक यूट्यूब ओपन हो चुका है, यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो जाएगा इस तरीके से। अब आप लोगों ने इस ट्रैफिक मोड को डाउनलोड करने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग गाइस डिस्क्रिप्शन को ओपन कर लोगे उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों ने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा डाउनलोड लिंक, ठीक है। अब आप लोग ने यहाँ से कौन से वाले लिंक पे क्लिक करना है और कौन सा लिंक से आप लोगों ने डाउनलोड करना है वो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो APK प्लस OBB डाउनलोड लिंक यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है गूगल ड्राइव का, ठीक है। यहाँ पे APK प्लस OBB लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो अब हमारे सामने यहाँ पे गूगल ड्राइव की फाइल ओपन हो चुकी है। अब गाइस आप लोगों ने डाउनलोड करने के लिए इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस फाइल पे क्लिक कर दोगे आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा। गाइस देख सकते हो अब आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड, ब्लू कलर के अंदर लिखा हुआ है डाउनलोड, इस बटन पे आप लोगों ने गाइस क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दोगे आपके सामने एक और नया इंटरफेस आएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगी। आप लोगों ने गाइस करना क्या, यहाँ पे जूम करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एनीवे, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एनीवे पे आप लोगों ने अब क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दोगे आपकी जो APK प्लस OBB फाइल है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इस तरीके से अब आपके सामने इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब डिटेल्स में जाना है और चेक कर लेना है कि आपकी फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है या फिर नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है BD बस और यहाँ पे हमारी ट्रैफिक फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। ये जो है 453 MB का फाइल है, आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो नीचे ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है। अब आप लोगों ने गाइस इसको अपने गेम के अंदर कैसे लगाना है, कैसे इंस्टॉल करना है, चलिए अब मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, प्ले स्टोर में चले जाना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो वो एप्लीकेशन कौन सा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने जो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है वो आप लोगों को ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिलेगा प्ले स्टोर में, तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब गाइस आप लोगों ने इसको ओपन करना है, बट उससे पहले आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने जो अपनी गेम है उसको अनइंस्टॉल करना है। पुरानी गेम जो आप लोगों ने अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर रखी है उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने मैंने अनइंस्टॉल कर दी है और हमारी जो गेम अब डिलीट हो चुकी है। अब गाइस आप लोगों ने वापस से आना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद गाइस आप लोगों ने गाइस इस जेड अचीवर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब गाइस आप लोगों ने यहाँ पे जो जो स्टेप बता रहा हूँ वो आप लोगों ने सही से फॉलो करने हैं और आपका जो डेफिनेटली टू ट्रैफिक मोड है वो लग जाएगा। अब सबसे पहले गाइस आप लोगों को यहाँ पे एक डाउनलोड का फोल्डर मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो हमारा डाउनलोड का फोल्डर आ चुका है, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे स्क्रॉल करना है और आप लोगों ने जो ट्रैफिक फाइल डाउनलोड की है ETS 2 की वो आप लोगों ने देख लेनी है कि कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी ट्रैफिक फाइल हमने डाउनलोड की थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब गाइस आप लोगों ने इस ट्रैफिक फाइल के ऊपर एक बार क्लिक करना है।
जैसे आप लोग गाइस क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे व्यू बटन मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ व्यू फर्स्ट नंबर पे, इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये वाला फोल्डर ओपन होगा। अब आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दो फाइल्स देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को यहाँ पे एपीके की फाइल देखने को मिल जाएगी और उसके नीचे हमें आप लोग देख सकते हो ओबीवी की फाइल मिल रही है। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों ने इस एपीके वाले बटन पे क्लिक कर देना है, मतलब फाइल के ऊपर क्लिक करना है और हमें एपीके को इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस जैसे आप लोग एपीके वाली फाइल पे क्लिक करोगे आपके सामने इंस्टॉल बटन का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप लोग का जो एपीके है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फटाफट से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इंस्टॉल करने के बाद गाइस आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, तो वो ये है कि गाइस आप लोगों ने अब अपनी गेम को यहाँ से एक बार ओपन करना है सिर्फ 5 सेकंड के लिए। हम जैसे यहाँ पे ओपन करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आपकी गेम चलेगी नहीं। यहाँ पे आप लोगों ने अलो पे क्लिक कर देना है फर्स्ट ऑप्शन पे, तो हमारा गेम यहाँ पे चलेगा नहीं, व्हाइट स्क्रीन की प्रॉब्लम आएगी। अब आप लोगों को करना क्या है, अपने बैक आ जाना है और यहाँ से अपनी गेम को हटा देना है। अब आप लोगों ने फिर से उसी एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है जहाँ पे आप लोगों का एपीके प्लस ओबीवी फाइल थी। तो अब गाइस देख सकते हो हमने एपीके को फर्स्ट वाली फाइल को हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब आप लोग देख सकते हो इसके नीचे जो ओबीवी फाइल है आप लोगों ने इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है 5 सेकंड के लिए और उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑप्शन आएगा कॉपी बटन का, इस कॉपी वाले बटन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप लोग क्लिक कर दोगे उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक डाउनलोड का ऑप्शन है ऊपर, देख सकते हो डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन आएगा, सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे आपके सामने यहाँ पे गाइस एंड्रॉइड का फोल्डर आएगा, इस एंड्रॉइड के फोल्डर पे आप लोगों ने क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे ओबीबी का ऑप्शन आएगा, इस ओबीबी वाले फोल्डर को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे बस सिमुलेटर इंडोनेशिया का आप लोगों को फोल्डर देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दोगे आपको सामने यहाँ पे जो फोल्डर है वो आपको एम्प्टी देखने को मिलेगा, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं होगी। अब गाइस आप लोग देख सकते हो नीचे एक पेस्ट बटन आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे आपके जो ओबीवी फाइल है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अब गाइस आपका सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से सब कुछ अब आप लोगों ने हटा देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब हटा दिया है। अब आप लोगों ने अपनी गेम को ओपन करना है, बस आप लोगों ने गाइस ध्यान रखना है कि आपकी ओबीबी फुल सही से सेटअप हो जानी चाहिए, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप लोगों ने करना है, वरना आपको व्हाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अगर व्हाइट स्क्रीन आती है तो आप लोग फिर से इस स्टेप को कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे से वीडियो को पूरा देखना है। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपनी गेम को प्ले करके दिखा रहा हूँ और फुल्ली बताने वाला हूँ कि देख सकते हो आपकी गेम ओपन यहाँ पे होगी या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं बस सिमुलेटर इंडोनेशिया को ओपन करूंगा। गाइस देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे बस सिमुलेटर इंडोनेशिया अपनी गेम है उसको ओपन कर लिया है और सक्सेसफुली जो हमारी गेम है ओपन हो चुकी है। अब फाइनली आप लोग देख सकते हो गाइस हमारा जो ETS 2 का ट्रैफिक मोड है यहाँ पे ऐड हो चुका है और जो हमारा गेज है वो भी यहाँ पे आप लोगों को चेंज देखने को मिल जाएगा कि चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप लोगों ने ऐड कर लेना है। आई होप आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और जो मैंने बताया है गाइस वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों ने वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आगे भी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग जो है बस से रिलेटेड नई नई वीडियो को एंजॉय कर पाओ। ओके गाइस यार, बाय बाय।